नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का स्पोर्ट्स लाइव में तो आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में जो दूसरा टी मुकाबला खेला गया उसे साउथ अफ्रीका ने विकेटों से इस मैच को अपने नाम जीत लिया जहां चार मैचों की टी ट्वेंटी सीरीज है एक एक से बराबरी पर हो गई लेकिन इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो भारत के तेज गेंदबाजों ने बहुत ज्यादा निराश किया जो कमजोर कड़ी नजर आई इस पूरे मैच के अंदर ठीक है हमारी बल्लेबाजी में इतने रन नहीं बने थे हमने बैटिंग काफी धीमी करी बीस ओवर में एक सौ चौबीस रन ही लगा पाए थैंक्स टू हार्दिक पांड्या हालांकि उन्होंने कम रन बनाए लेकिन एक मुश्किल समय में उन्होंने उनतालीस रन बनाए जिसके चलते टीम एक सौ चौबीस तक पहुंच पाई उसके बाद जब आपके गेंदबाजों ने स्पेशली स्पिनर्स ने साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी बेहतरीन गेंदबाजी की वरुण चक्रवर्ती ने पांच विकटे उन्होंने अपनी इस चार ओवर के स्पेल में निकाले इसके अलावा अगर आप देखें रवि बिश्नोय ने भी अच्छी गेंदबाजी की चार ओवर में सिर्फ सत्तर इक्कीस रन दिए एक विकेट उनको मिला उसके बावजूद कप्तान जो थे सूर्य यादव उन्होंने अक्षर पटेल से गेंदबाजी नहीं कराई अक्षर पटेल एक ओवर में सिर्फ दो रन देते हैं और उनके तीन ओवर रह जाते हैं जबकि भरोसा जताया गया आवेश खान पर जो कि महंगे साबित हुए थी ओवर में तेईस रन उन्होंने खर्च किए इसके अलावा अर्शदीप सिंह पर भरोसा जताया गया अर्शदीप सिंह को आखिरी ओवर में बहुत मार पड़ी चार ओवर में इकतालीस रन दिए उन्होंने एक विकेट के नुकसान पर तो कहीं ना कहीं इस मैच को तेज गेंदबाजों की वजह से हम हार गए अगर सही समय पर यूटिलाइजेशन स्पिन गेंदबाजी का अगर अच्छे सूर्य कुमार यादव कर लेते अगर अक्षर पटेल को वहां खिला देते ओवर तो क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑलरेडी अगर आप देखिए इस मैच में मुश्किल में लगा हुआ था उनके ऊपर के बल्लेबाज बेहतरीन तरीके से वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी पर आउट हुए चाहे यानसन को हम बात करें यह भी हैरान करने वाला था कि यानसन को क्लाजन और मिलर से भेजा क्योंकि इतना खौफ था कि वरुण चक्रवर्ती लगातार विकेट्स निकाल रहे हैं अडन मैक्रम का उन्होंने विकेट लिया था हैंड्रिक्स का विकेट लिया था उसके बावजूद यानसन ऊपर जब आते हैं तो उनका विकेट लेते हैं और उसके बाद क्लाजन मिलर तमाम जो बड़े नाम हैं साउथ अफ्रीका के उनको आउट करते हैं लेकिन गलती कहाँ हो जाती है चूक कहाँ हो जाती है तेज़ गेंदबाजी कहीं ना कहीं अरजदीप सिंह वो लय में नज़र नहीं आते और स्पेशली आवेश खान बहुत ज़्यादा उनको मार पड़ जाती है जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका जो है सीरीज को बराबर कर देता है वन वन से अभी बराबरी हो गई है लेकिन अभी दो मैच और बाकी है और वो जो अगला मैच होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा लेट्स ही कि अगले मैच में सूर्य कुमार यादव कैसी सेम प्लेइंग इलेवन के साथ उतरते हैं और साथ में जब आपको पता है कि मुश्किल हो रही है साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को बल्लेबाजों को स्पिन खेलना तो आप सही समय पर सही टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके स्पिन का इस्तेमाल अगर करते तो ये दूसरा टी भी भारत के नाम हो जाता खैर नतीजा साउथ अफ्रीका के नाम निकला तीन विकेटों से छह गेंदे रहते उन्होंने मुकाबला जीत लिया है और अब नजरें जो है वो तीसरे टी ट्वेंटी मुकाबले पर होगी वहां पर टीम इंडिया के लिए जरूरी है इस सीरीज में बने रहने के लिए उस मुकाबले को जीतना फिलहाल इस मैच पर आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा